नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं आसुस का जो आरओजी यूआई है उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है रेबनोट 7S लैवेंडर के लिए आसुस का जो आरओजी यूआई है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर ये जो रॉम है दोस्तों, एक पोर्ट रॉम है जो आसुस का आरओजी फोन 5 है उससे पोर्ट किया गया है अपने रेबनोट 7S लैवेंडर डिवाइस के लिए। तो इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं अपने रेबनोट 7 डिवाइस के ऊपर, तो उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो किया हूँ। आप जो रेबनोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते क्या क्या ऑप्शंस के ऊपर ऐड किए गए हैं, क्या क्या फीचर्स आपको देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट जरूर से करना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डाउनलोड लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा। देख पाओगे यहाँ पर जो आरओजी यूआई है इसका जो सर्च बार है कुछ इस तरह से आपको देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो विलियम पैनल है वो भी आप देख लीजिएगा। काफी हद तक आपको जो स्टॉक एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पर देने को मिलता है। एंड डेफिनेटली ये जो हम इसको पोर्ट बिल्ड है इसलिए जो है यहाँ पर आपको कुछ कुछ जो फीचर्स देने को मिल जाएगा जो कि रेबनोट 7 के लिए कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि जो हार्डवेयर है रेबनोट 7 के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, बात कर लेते ये जो हम इसको एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। 5th of July 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर देने को मिलता है। एंड एंड्रॉइड 11 के साथ ये जो रॉम है हमें देने को मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है आरओजी की तरफ से जो ऑप्शन इसे ऐड किया गया है ना दोस्तों। यहाँ पर ये जो बिल्ड है दोस्तों एक स्टेबल पोर्ट आप इसे कह सकते हो, जो अननेसेसरी एप्लीकेशन से इसे यहाँ पर हटा दिया गया है। अब अलग से जो प्ले स्टोर में जाके जो आसुस का एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर कुछ कुछ जो आसुस का एप्लीकेशन से यहाँ पर इंस्टॉल किया है, जैसे कि कैलकुलेटर, उसके बाद गैलरी एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर, ये सभी जो एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर अलग से इंस्टॉल किया है। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कुछ एप्लीकेशन देने को मिल जाएगा, जैसे कि प्ले स्टोर एंड जो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट आपको देने को मिलता है। तो जो इंस्टॉलेशन वीडियो था उसे आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के ऊपर जो है हमें यहाँ पर ईरोड 6 देने को मिल रहा था, उस इशू को भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर अगर आप चाहो तो कस्टम कर्नल को भी यूज कर पाओगे। यहाँ पर जो गूगल का प्ले स्टोर है दोस्तों फोर्स क्लोज हो जा रहा था, उसे फिक्स किया गया है। एज वेल जो आपका वॉल्टी है 4G+ से आपका जो वाईफाई है वो भी काम कर रहा है इस रॉम के साथ, जो कि काफी बढ़िया बात है। साथ साथ जो फ्लैश लाइट है वो भी काम करता है, यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर जाती है, वाईफाई भी काम कर जाता है। यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन भी देने को मिलेगा, लोकेशन भी काम कर रहा है जो कि काफी बढ़िया बात है। तो ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। एंड इस रॉम को अगर आप फ्लैश करते हो तो इस रॉम के साथ जो है आपको आसुस का जो आरओजी यूआई है उसका आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो डेफिनेटली ये जो रॉम है दोस्तों आसुस का जो आरओजी यूआई है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो प्ले स्टोर में जाके जो आरओजी यूआई का एप्लीकेशन है उसे भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर पाओगे। नाउ यहाँ पर कुछ चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो के दौरान भी मैंने बताया था। इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान अगर आप फास्ट बूट में मैजिक को फ्लैश करोगे तो ये जो रॉम जो है आपके फोन के ऊपर बूट नहीं होगा। आप जो है बूट लूप में जो है यहाँ पर आपको इश्यू देने को मिल सकता है, बूट लूप का जो इश्यू देने को मिल सकता है। पर आपका जो पहला बूट होने वाला है उसके दौरान आपको जो है सिंपली जो मैजिक से उसे आपको फ्लैश नहीं करना होगा। रॉम को इंस्टॉल करने के बाद, सेटअप करने के बाद दोस्तों आराम से आप टीरो रिकॉर्ड में जाके जो है मैजिक को फ्लैश कर सकते हो। पहला बूट में अगर आप मैजिक को फ्लैश करोगे तो आपका जो फोन है दोस्तों वो बूट लूप में चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आप देख पाओगे ये जो रॉम है काफी ज्यादा स्मूथ रॉम है। नाउ दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। तो देख सकते हो नॉर्मल स्टाफ है, बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम सिंक का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। देखिए पा रहे हो, एंड आपके पास आउटडोर मोड देने को मिलता है। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली म्यूट का ऑप्शन है, प्लस आपके पास वॉल्यूम की का जो कंट्रोल है उसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको आरओजी यूआई के ऊपर ये सभी जो एक्स्ट्रा ऑप्शन देने को मिलता है, स्मार्ट वॉल्यूम का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर इसे भी ऐड किया गया है। तो आपको यहाँ पर एक सभी ऑप्शन जो है हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल गया है, जो कि नॉर्मली जो स्टॉक रॉम है उसके ऊपर हमें देने को नहीं मिलता है। जो स्क्रीन लॉकिंग का साउंड है उसे बंद कर पाओगे, चार्जिंग साउंड को बंद कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको जो है ये सभी ऑप्शन देने को मिल जाएगा। आपको जो चार्जिंग एनिमेशन है उसे आप चेंज कर पाओगे, बैटरी स्टाइल को चेंज कर पाओगे, प्लस लो बैटरी पावर सेविंग मोड को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। देखिए पा रहे हो, ऑप्टिमाइज बैकग्राउंड एप्स का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। सो ये सभी ऑप्शन देने को मिलेगा बैटरी के ऊपर। अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले के ऊपर आपको ढेर सारी ऑप्शन देने को मिलता है। देखिए पा रहे हो, यहाँ पर आपको ढेर सारी जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है। आपको यहाँ पर जो है लो ब्राइटनेस डिसेबलिंग का ऑप्शन इसे ऐड किया गया है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन का जो ऑप्शन है ये भी आपको देने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग जो पावर बटन है उसे भी आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर अलग अलग जो पावर बटन है वो भी आपको देने को मिलेगा। जो स्टाइल है, अलग अलग जो स्टाइल है फॉन्ट का उसे भी आप अप्लाई कर पाओगे। और आपको डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के ऊपर अलग अलग जो फॉन्ट उसे भी आप अप्लाई कर पाओगे। प्लस सर्च बार के ऊपर कौन कौन से आइकन को देखना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। एंड 2-button navigation, 3-button navigation का तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर आपको नेविगेशन बार एंड जो गेशियस नेविगेशन से ये आपको देने को मिल गया है। सो काफी हद तक आपको जो है जो स्टॉक रॉम है उसका जो है आपको एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। प्लस आपको क्विक सेटिंग्स का जो लेआउट है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन देने को मिल जाएगा,
वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है वो भी आपको देने को मिलेगा, या आपको ऑलिजन पैनल का ऑप्शन भी देने को मिलेगा, मतलब ऑलिजन डिस्प्ले का जो फीचर है उसे भी ऐड किया गया है। आप चाहो तो एओडी को भी यूज कर पाओगे। प्लस टैप टू एक आपको फीचर देने को मिल जाएगा, नया नोटिफिकेशन आने में आपका जो फोन का स्क्रीन है तो ऑन होगा। प्लस एलईडी इंडिकेटर इसे भी ऐड किया गया है, ये सभी फीचर्स आपको देने को मिलता है डिस्प्ले के ऊपर। थीम एंड वॉलपेपर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। आपको यहाँ पर डेडिकेटेड थीम स्टोर भी देने को मिलता है, यहाँ काफी बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर एमआईयूआई की तरह जो थीम स्टोर है वो भी आपको देने को मिलता है। बाकी यहाँ पर लोकेशन भी काम करते हैं। सिक्योरिटी कार्ड बात करूँ, यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड जो फेस अनलॉक है हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया है, एंड एजो बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, सबको फ्लैश करने के दौरान आपको यहाँ पर फॉर्मेट अटैक करना ही होगा। ना दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी फास्ट है, टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन होगा। देख फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कोई भी विश्वली बात नहीं है, देख सकते हो बहुत ही फास्ट हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम करता है। फेस अनलॉक देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो लॉक स्क्रीन है लॉक स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा जो लो ब्राइटनेस का इशू देने को मिलता है, देखिए बारो, बट यहाँ पर जो फेस अनलॉक भी काम करते हैं, फिंगरप्रिंट भी काम करते हैं, जो कि बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर ये जो ROG Y का बिल्ड है इसके ऊपर हमें फिंगरप्रिंट एंड जो फेस अनलॉक है वो भी काम कर जाता है। आपको यहाँ पर गेस्टर्स के ऊपर डेढ़ से ऑप्शन देने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लिफ्ट टू चेक फोन, फ्लिप डाउन टू म्यूट, उसके बाद स्मार्ट एंसरिंग, स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन ऑन, स्वाइप अप टू वेकअप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल है। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ फीचर्स काम कर सकता है, बट कुछ कुछ फीचर शायद काम ना करे। और आपको क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है। सिंपली अगर आप पावर बटन का डबल प्रेस करोगे तो आपका जो कैमरा एप्लीकेशन से ओपन हो जाएगा, इसे ऐड किया गया है। वन हैंडेड मोड देने को मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर आपको पॉकेट मोड एंड ग्लोव मोड इसे भी ऐड किया गया है, जो कि बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी देखने को मिल जाती है, सिस्टम के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए बारो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, वापस जाकर इस रॉम को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। नाउ यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर रन किया था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में। लगभग 5 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट हमने यहाँ पर रन किया था, मैक्स गया है 153, एवरेज है 145, मिनिमम है 135, यहाँ पर 92% का सीपीयू थ्रोटल देने को मिला है। मैक्स सीपीयू की बात करूँ 2.20 गीगाहर्ट्ज़ तक चला गया था, तो यहाँ पर हमें जो परफॉर्मेंस देने को मिला है सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के ऊपर काफी बढ़िया है। यहाँ पर मैक्स गया है 153, नॉर्मली रेडमी नोट 7 के ऊपर 140 के आसपास रहता है। तो सेफ्टी नेट की बात करूँ, विदाउट रूट विदाउट मैजिक जो सेफ्टी नेट यहाँ पर फेल हो जाता है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सेफ्टी नेट यहाँ पर पास नहीं होता है। अगर बात करूँ गिगबेंच 5 की, तो हमें यहाँ पर सिंगल कोर के साथ 309 देने को मिला है, मल्टी कोर के साथ 1274 का जो स्कोर देने को मिल गया है गिगबेंच 5.4.4 के साथ। अगर बात करूँ 3D Mark की, तो 3D Mark का जो वाइल्ड लाइफ है उसके साथ हमें यहाँ पर 367 का जो स्कोर देने को मिल गया है। आसूस का जो ROG Phone 5 है यहाँ पर लिखा गया है, तो पर 3D Mark के साथ हमें 367 का जो स्कोर देने को मिलता है। यहाँ पर सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट के ऊपर हमें ज्यादा जो है दिक्कत देने को नहीं मिला है, काफी बढ़िया हमें यहाँ पर जो है स्कोर देने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। फिर हमें दोस्तों इस रॉम के साथ अब ROG UI का जो एक्सपीरियंस आपको देने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ कैमरा टेप की, तो देखिए यहाँ पर लेवल 3 का जो सपोर्ट हमें देने को मिल गया है। यहाँ पर जो कैमरा को है जो गूगल कैमरा है वो भी काम कर जाएगा, जो कि बढ़िया बात है। तो आपको यहाँ पर कैमरा को काम करते हैं, GCam भी काम कर जाएगा, जो कि सही है। तो ओवरऑल ये जो रॉम है काफी बढ़िया है, इस रॉम को ट्राई करके देखिएगा अपने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं उसके बारे में अलग से वीडियो किया हूँ, उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, वरना इस रॉम को फ्लैश नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करना काफी जरूरी है, तो मेक श्योर बैकअप योर इंपोर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग दिस रॉम। तो आपको नया वाला जो बूट एनिमेशन है देखने को मिलेगा, कुछ वॉलपेपर को ऐड किया गया है, कुछ नया वाला जो थीम है उसे भी ऐड किया गया है। तो ये जो थीम है हमें इस तरह से देखने को मिल गया है। यहाँ पर आपको ये जो थीम है इस थीम के साथ जो है सरस पर देने को मिलता है, ये भी यहाँ पर डार्क मोड के साथ देने को मिलता है। तो ये जो थीम है आपको डार्क मोड के साथ ही देने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। देख सकते हो पूरा जो सीरीज में है इसके ऊपर जो आइकॉन है इसमें भी हमें थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड ये जो दोस्तों और एक थीम है देखिए इसके ऊपर जो आइकॉन है थोड़ा सा डिफरेंट हमें देने को मिल गया है। यहाँ पर भी आपको जो है डार्क मोड के साथ ही जो थीम है देने को मिलता है। तो एंड ये वाला जो थीम है मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, इस थीम को हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली ढेर सारी जो आपको आसुस का एप्लीकेशन है उसका सपोर्ट हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है, प्लस यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट ये सभी जो ऑप्शन है रेडमी नोट 7 के ऊपर कोई भी काम कर नहीं है। एंड आपको यहाँ पर कोई भी जो ROG UI के ऊपर जो गेमिंग मोड है देने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो हमें दोस्तों गेमिंग के लिए है ही नहीं, ये दोस्तों आपका ROG UI को एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो डेफिनेटली इस रॉम को आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर एक चीज तो है भाई साहब, इस रॉम को जो है डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको यहाँ पर ये जो UI है काफी बढ़िया लगता है, ये जो UI है काफी हद तक आपको स्टॉक रॉम प्लस आपको कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है इस ROG UI के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया बात है। ओवरऑल ये जो ROG UI है काफी बढ़िया है, आप ट्राई करके देख सकते हो अपने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एंड इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंस्टॉलेशन वीडियो है जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आपको देने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना। ये जो हमें दोस्तों
एक्सपीरियंस करने के लिए आरजी यूआई को परफॉर्मेंस आपको इस रॉम के साथ इतना बढ़िया देने को ना मिले, प्लस बैटरी बैकअप भी आपको शायद इतना बढ़िया देने को ना मिले, बट डेफिनेटली अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो आरजी यूआई को, इस रॉम को आपको फ्लैश करना ही होगा। और जो बाय डिफॉल्ट आपको गूगल का जो प्ले स्टोर है देने को मिल जाएगा, आपको अलग से जो जी ऐप से आपको फ्लैश नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट आपको गूगल का जो प्ले स्टोर है देने को मिल जाएगा। यहाँ पर वॉल्टी 4G प्लस वाईफाई काम करता है, प्लस जो टॉर्च लाइट है वो भी काम कर जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एज वेल जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है यहाँ पर हटा दिया गया है, एंड इस सबको फ्लैश करने के दौरान जो लेटेस्ट फ्लेम ऑयल है उसे आप ट्राई कर सकते हो, वरना ये रॉम जो है फ्लैश नहीं होगा। आप चाहो तो जो 12.5.1 का जो लेटेस्ट फ्लेम ऑयल है उसे फ्लैश करके इस रॉम को फ्लैश करना, एंड फॉरवर्ड डेटा आपको करना ही होगा। फॉरवर्ड डेटा के अलावा ये जो रॉम है आपके डिवाइस पर बूट नहीं होगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।